पूरी मीडिया सिर्फ शाहरुख खान को क्यों कवर कर रही है, पूरी मीडिया जो है अडानी को क्यों नहीं कर रही है, या फिर मुस्लिम है बोल करके ज़्यादा अटेंशन दिया जा रहा है ना। देखो सवाल ना भले से लेफ्ट से हो, राइट से हो, सेंटर से हो, कहीं से भी हो, लेकिन सवाल जो है ना ये नहीं है कि क्यों उसको अरेस्ट किया गया है। भाई मेन सवाल ये है कि सबसे पहले मीडिया इस बात से डर रही थी कि क्या शाहरुख खान के बेटे का नाम का लेना सही रहेगा। अब देखो शाहरुख खान की तरफ से कुछ हो पाता या नहीं हो पाता, मतलब शाहरुख खान क्या कुछ ऐसा कर देते कि जिसके वजह से मीडिया वालों की बैंड बच जाती, ऐसा भी तो नहीं है ना कि सुपरस्टार होने की वजह से कानून और मीडिया सब कुछ आपके हाथ में हो। भाई ऐसा बॉलीवुड में होता आ रहा है तो शायद इसी डर से। तो चलो यार आते हैं सीधा मेन मुद्दे पे कि मैंने एक फुटेज देखा जिस फुटेज में आर्यन खान को एकदम दौड़ते हुए लेकर के जा रहे हैं। उसके पीछे का रीजन यही था कि भाई देखो कोई फोटो ना ले ले, कोई वीडियो ना ले ले, किसी को पता ना चल जाए कि किसको एनसीबी के ऑफिस में बुलाया गया है ड्रग्स केस के पूछताछ में। भाई उसके बाद से जो हरकत हुई है, मीडिया की छोड़ दो और सभी लोगों की छोड़ दो, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना वो ये है कि भाई आर्यन खान ने खुद का सेल्फी कैसे दिया, और सेल्फी छोड़ो यार एक अच्छा सा वीडियो भी है, एक शॉर्ट सा वीडियो भी है जिसमें भाई वो पुलिस ऑफिसर के साथ में बैठा हुआ है। अब ये नहीं समझ में आया, या तो उससे पहले इंस्ट्रक्शन आया होगा कि आप अपना फेस रिवील कर दो, या फिर उससे पहले ये कहा गया होगा कि मेरे बेटे का फेस एकदम भी नजर के सामने में नहीं आना चाहिए। यहां तक वीडियो सुनने के बाद ये मत सोचना कि मैं शाहरुख खान के अगेंस्ट में हूं या फिर शाहरुख खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं। अब मैं डाई हार्ट फैन एसआरकेएन जिसको कहते हैं ना बॉस, उसका इतना बड़ा फैन हूं कि मैं कभी भी उसके बारे में कोई भी रिव्यू नहीं किया हूं अभी तक, क्या है, किस तरह से कंटेंट लाते हैं। और सच बताऊं तो उन्होंने इस बीच में जब से मैंने YouTube स्टार्ट किया है इस बीच में कोई कंटेंट भी नहीं आया जिसको मैं पकड़ के रिव्यू करूं। लेकिन अभी बात जो है ना सही और गलत की है तो इस वजह से कह रहा हूं। एक यॉट पे अच्छी खासी पार्टी चल रही थी, उस पार्टी के अंदर में जो है बहुत सारे लोग थे, लगभग 600 लोग के आसपास बताया जा रहे हैं, लेकिन उसमें से जो है अरेस्ट हुए हैं सिर्फ 8, जिसमें सबसे नामचीन बंदा अगर कोई था तो आर्यन खान। अभी भी कह रहा हूं इन सारी चीजों को एक साइड में रख दो, अगर एकदम न्यूट्रल होकर के बात करें तो हां भाई किंग खान जो है एज अ पेरेंट फेल हो चुके हैं। और ट्विटर पे जो है ना कुछ चीजें चल रही है जिसके पीछे मैं भी ये सपोर्ट करना चाहता हूं कि हाँ भाई उनको बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर से हटा दो, क्योंकि अगर वो बायजूस का ब्रांड एम्बेसडरिंग कर रहे हैं ना बॉस तो भाई मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि उसमें ये दिखाया जाता है कि वो कितने अच्छे फादर है और किस तरह से जो है बच्चे को वो पेरेंटिंग कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो है बायजूस क्लासेस जो है चल रहा होता है। तो भाई सबसे पहले इधर से निकाल दो। और भाई विमल पाल मसाला जो है, भाई जो भी बोलो जुबां केसरी या बोलो जुबां हरी जो भी है, उसके ऊपर मैं इनको कंटिन्यू करवा दो, क्योंकि अभी जो है ना ये भले से अपने लाइफ में सिगरेट और दारू के अलावा कुछ ना किए हों, लेकिन इनके बेटे की शुरुआत जो है सिगरेट और दारू से नहीं बल्कि एक ड्रग्स से हुआ है। अब इस चीज़ को लेकर के आर्यन खान पे केस चलाना चाहिए या काउंसलिंग करना चाहिए, ये मेन मुद्दा है कि भाई एग्जैक्टली एसआरके को इस वक्त में क्या करना चाहिए अपने बच्चे के साथ में। क्या ये फ़ोन करके अपने दिल्ली वाले अंदाज में कहेंगे कि तेरा दिमाग फिर गया था क्या, तू वहाँ पे क्या कर रहा था, क्यों गया वहाँ पे, और ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं, ये बोलेंगे, या फिर बोलेंगे बेटा इट्स ओके कम टू होम, मैं तुझसे बात करूंगा और हम इस बारे में आराम से बात करेंगे, क्या वो इस तरह से बात करते हैं। जहां पे शाहरुख खान की इमेज की बात है ना, शाहरुख खान की इमेज बहुत बड़ी बनी हुई है, यहां तक कि उनको डॉक्टर तक का खिताब दिया हुआ है, उनके नाम के आगे डॉक्टर शाहरुख खान लगता है, लेकिन इस बार जो है वो डॉक्टर वाला मामला कुछ जमा नहीं मुझे, सीरियसली बता रहा हूँ, बींग अ फैन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं जमा। एंड ट्रस्ट मी जितने पैसे फेम और अपने एक्टिंग के पीछे भागे हैं ना, शायद वो अपनी फैमिली से उतने ही दूर हो गए हैं। जब भी वो कहीं पे अपने इंटरव्यू में स्टोरी बताते थे कि भाई गौरी खान जो है उसकी बातों से एग्री नहीं है, गौरी खान उनकी एक्टिंग को पसंद नहीं करती, आर्यन खान का भी हीरो नहीं बनना चाहता, और जिसके वजह से जो है उन्होंने एब्राम को लाया और ये सोचा कि भाई वो आगे चल के मेरा सुपरस्टार बनेगा, ट्रस्ट मी गाइज ये एक इतिहास चलता हुआ आया है कि कभी भी एक बहुत बड़ा स्टार का बेटा जो है ना छोटा स्टार भी नहीं बन पाया है। बात अगर बिग बी की करें ना तो वो आज भी गुटखा बेच करके घर चला रहे हैं, जिनको जो है ना 3 वर्ड की वजह से हम लोग सबसे पहले जाने थे, मतलब जब बचपन में थे तो उस वक्त तो शहंशाह नाम सुनते थे, लेकिन जब स्कूल टाइम में थे और गुरुकुल नाम का एक चीज आया था, यानी मोहब्बत फिल्म की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे जो 3 वर्ड थे ना वो उनके जुबान से सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता था कि प्रतिष्ठा, और पता नहीं यार 2 वर्ड कुछ और भी होते। तो भाई ये बुजुर्ग इंसान भी गुटखा बेच करके घर चला रहा है, तो आप समझ लो कि एक बहुत बड़ा स्टार का जो फैमिली होता है वो कितने ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। यूँ समझ लो कि अगर आप बहुत बड़े स्टार हो तो आगे की पूरी लाइफ काम आप ही को करना है, और वही चीज़ शाहरुख खान के साथ भी होने वाला है। अभी मैंने आपको बताया कि ये कहानी को किस तरह से पीआर हैंडल करने वाली है और किस तरह से ये केस जो है रफा दफा हो जाएगा ना, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ केजो का मतलब समझ रहे हो ना, हर किसी ने झेला है लेकिन करण जौहर ने झेला नहीं है। वो एनसीबी के ऑफिस में गए भी थे, सवाल जवाब भी हो गया था, वो एकदम क्लीन चिट बाहर आ गए थे। तो आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान अपने बेटे के आने वाले टाइम को लेकर के इतनी बड़ी चीज में फंसाने के लिए एग्री हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जितने भी साम दाम दंड भेद जो भी लगे वो छुड़वा तो लेंगे,
लेकिन मेन अभी भी सवाल वहीं पे आके अटका है कि क्या बीइंग अ सुपरस्टार एक बहुत ही बुरा पेरेंट कहलाना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, शाहरुख खान अपने हर बिजी शेड्यूल में से अपने फैमिली को टाइम देने के लिए टाइम निकाल ही लेते थे, और अगर टाइम नहीं भी दे पाते थे तो वो अपने शूटिंग वाले एरिया में अपने पूरी फैमिली को बुला लेते थे और स्पेशली जो है अपने लंच टाइम पे उनको टाइम दिया करते थे। तो क्या इतना देना भी काफी नहीं रहा? तो भाई ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकल करके आया है तो वो यही है कि लोगों ने अभी दो वर्ड के साथ में खेलना शुरू कर दिया। दोपहर तक खेल रहे थे कि डिटेन किया गया है, अरेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन शाम तक ये न्यूज निकल करके आई कि आर्यन खान को जो है अरेस्ट कर लिया गया है फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब 23 साल के हैं तो इनको जो है अंडर एज के हिसाब से तो भाई कुछ भी नहीं चलने वाला है। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ वर्डिक्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू दैट ओपिनियन व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट द एसआरके। क्योंकि ये द एसआरके जो है ना, ये बहुत ही बड़ा वाला नाम है। अभी देखते हैं पब्लिक किस तरह से लेती है इस चीज को, मीडिया किस तरह से लेती है, और आप क्या सोचते हो इस बारे में ये कमेंट सेक्शन पे जाकर के जरूर बताना कि आपका एग्जैक्टली क्या सोच है इस बारे में। दैट्स इट, आई एम साइनिंग ऑफ। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।